एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की 1.1। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, डॉटर और आफ्ताब की बात चलती है, मीन्स बाप बेटी की बात चलती है। जब ऐसे क्वेश्चन में बात आते हैं तो दोनों की एज को मान लेते हैं। लेट डॉटर सेज, क्या क्या मान लें हम, इज इक्वल टू एक्स। और आफ्ताब की एज क्या मान लें हम, वाई। और यह प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज क्या है, डॉटर और आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो हमने ये ले ली, एक्स और वाई। अब क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन के अंदर वो कहता है, जिस तरह से वो कंडीशन रखता है, ध्यान रखना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर दो कंडीशन देता है। पहली कंडीशन में पहली इक्वेशन क्रिएट होगी, दूसरी कंडीशन में दूसरी इक्वेशन को क्रिएट करेंगे, और फिर दोनों कंडीशन को तीन हमारे पास सॉल्व करने के मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई से मेथड को अप्लाई कीजिएगा, आंसर आपका आ जाता है एल्जेब्रिकल अगर हम लेकर चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आगे की क्वेश्चन में। जैसे इसने क्वेश्चन में कहा है 7 ईयर्स हो, देखिएगा मैं कहता हूँ मेरी एज आज 30 वर्ष की है, मैं कहता हूँ 10 साल पहले मेरी कितनी एज, तो जाहिर सी बात है पहले की बात करें, जब आज मेरी एज 30 साल है तो 10 साल पहले एज कितनी होगी, 30 में से 10 माइनस कर दीजिएगा। हमेशा जब पहले की बात करता है तो प्रेजेंट की एज में से उस एज को माइनस कर दिया जाता है, और बाद की बात करता है तो प्रेजेंट की एज में उस एज को प्लस कर दिया जाता है। तो क्या किया है इसने, कहा 7 ईयर्स हो, 7 ईयर्स एटीक्यू फर्स्ट, यहाँ लिखते हैं एटीक्यू फर्स्ट, इसका मतलब होता है एटीक्यू फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एटीक्यू की बात करते हैं, चलो फर्स्ट को हम काट देते हैं। इसने कहा 7 ईयर्स लोगों की बात करते हैं, दोनों में से 7 ईयर्स माइनस कर देते हैं। ठीक है, दोनों को कर देते हैं इक्वल, भाई हम दोनों बाप और बेटी की एज को इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है कि ये 7 टाइम्स हैं, बाप क्या है 7 टाइम्स हैं, हमेशा किसको उल्टा करते हैं, 7 टाइम्स किसको कर देते हैं, बेटी को, क्योंकि बात इक्वलिटी की आ गई है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7x और माइनस की इसमें करेंगे 49 इक्वल टू क्या गया, y माइनस का 7, एक्स वाई एक तरफ रखेंगे 7x, ये वाई साइड प्लस का तो साइड आ गया माइनस का y माइनस 7, ये माइनस का ऐसे साइड के आ गया प्लस में, तो 7x माइनस y इक्वल टू क्या बच गया आपका 42 के सोना की आपकी फर्स्ट। ठीक है, तो पहली कंडीशन को हम लेकर चले, पहली कंडीशन से पहली क्वेश्चन आपकी बन जाती है। लेकर चलते हैं फिर दूसरी कंडीशन में, एटीक्यू फर्स्ट कहते हैं एटीक्यू सेकंड, सेकंड से सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी। इसने कहा आगे कहता है देखो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, 3 साल इसमें भी हम प्लस कर देते हैं और दोनों में इसमें भी प्लस कर देते हैं। अब किसकी हो जाती है, बाप की 3 गुना रह जाते हैं, तो बाप की एज को 3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम किसको करेंगे, बेटी को, क्यों, क्योंकि बीच में हमने कहीं का साइन रखा बराबर का। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का 9 इजिकल टू क्या बच गया आपका, वाई प्लस का 3, तो 3x ये वाई साइड प्लस का है कहीं में आ गया माइनस में, 3 ये 9 साइड कहीं में चलेगा माइनस में, 3x माइनस का वाई इजिकल टू क्या बचता है माइनस का 6, इक्वेशन आ गई फर्स्ट सेकेंड आपके। तो इस तरह से आपकी 2 इक्वेशंस बन जाती है, दोनों इक्वेशंस आपकी क्रिएट होगी, और दोनों इक्वेशन के बाद अब हम चलते हैं आपको इसको ग्राफिकली सोल्व करने के लिए। तो दोनों इक्वेशंस हैं आपकी, पहली इक्वेशन है आपकी 7x माइनस वाई इजकल टू 42। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 7x इजकल टू 42, ये माइनस का इस साइड के हम आ गया प्लस में, और x इजकल टू 42 और प्लस क्या लिख दूँगा वाई अपॉन में क्या आ जाता है 7। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर बना देते हैं, चलो यहाँ पर इसके ग्राफिकल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y, अब इधर क्या y। ठीक है, अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, 0 की इसकी जगह 0 रखने से भाई 0 प्लस करेंगे तो 42 रहेगा, 42 को 7 से भाग करेंगे कितना आ गया 6 आ जाता है। ठीक है, और बाय चांस अगर मैं यहाँ पर 7 रख दूँ, माइनस का रख दिया चलो, तो 35-45 मतलब सब 7 माइनस कर देते हैं, ऐसी संख्या रखनी है जो डिवाइड पूरी हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इसमें से जब 42 में से प्लस y है अपॉन में 7 है 42, इसकी जगह क्या रख दें हमने माइनस का 7 अपॉन 7 बच कर क्या बच गया 35 अपॉन 7, तो कितना आ जाता है 35। तो पहली तो आ जाती है कि ये टेबल में, ठीक है,
टेबल पहली बन जाती है आपकी ये। अब आती है सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, 3x माइनस वाई इजकल टू क्या, माइनस का 6। अब एक एक को हम ले जाते, जैसे हमने वहाँ लिया था ऐसे यहाँ लेंगे, 3x इजकल टू क्या लिखूँ, ये वाई ने माइनस का, इस साइड के हम आगे प्लस का पहले लिख देंगे, माइनस का बाद में। एक्स इजकल टू वाई माइनस 6 अपॉन क्या लिख दो, 3। अब देखिए यहाँ, अब फिर एक टेबल हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन की, ये x ये y, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे y की जगह अगर मैं 0 रख दूँ, हाँ हमने कुछ यहाँ पे गलत किया है, हाँ उल्टा रख दिया, यहाँ पे 0 इसका माना जाएगा क्योंकि y की जगह रखा है, और y की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 7 माइनस का, यहाँ पर आ जाता है 5 x का, ठीक। अगर मैं y की जगह यहाँ पे क्या रख दूँ, यहाँ पे 0, तो माइनस का 6 बजेगा, तो कितना आ जाएगा x का मान माइनस का 2, ठीक। अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, मैं यहाँ 3 रख दूँ, तो यहाँ पर यहाँ इसमें से चल जाएगा, आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरह से हमारे सामने ये दो टेबल बन जाते हैं। जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस पर, चार्ट पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये मैं थोड़ा सा रब कर दूँ अगर, क्योंकि अभी मुझे इसको ग्राफिकली भी शो करना है, और ग्राफिकली शो करने के लिए क्या करेंगे हम एक ग्राफ टाइप ऐसे बनाते हैं। इधर होता है आपका एक्स अक्ष एक्स, इधर का एक्स डैश एक्सेस, वाई एक्सेस, और इधर होता है वाई डैश, मीन्स एक्स की प्लस की वैल्यू सारी सैड, माइनस की सैड, वाई की प्लस की वैल्यू जी सैड और माइनस की सैड, ये आपको होता है मेन पॉइंट 0 0, ठीक है। अब पहली टेबल को चलते हैं, x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कॉलम बनाने हमने 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जब आप ग्राफ देखते हैं तो इस तरह से आपको टू पार्ट ग्राफ को बीच में से डिवाइड कर लेंगे टू पार्ट्स में। अब पहली क्वेश्चन चलिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की जगह तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाती है क्योंकि y की वैल्यू 0 है, इसलिए y की तरफ नहीं चलना, 6 और 0। फिर ने कहा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस का 7, x की तरफ 5, 1 2 3 4 5, और y की तरफ 5 माइनस का, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, इस तरह से आपके सीध में यहाँ आ जाएगा क्या आ गया 5 और -7, ठीक है। तो दो आपके वे बन जाते हैं पॉइंट्स, और जब हम इसको ऐसे करते हैं, इनको बिल्कुल सीधो सीध हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये बन जाता है आपका 7x - 5 = 42 का सॉल्यूशन। एक लाइन आपकी इस तरह से आ जाएगी कुछ। जब दूसरी इक्वेशन को हम लेते हैं, तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 है तो सेड -2, और y की वैल्यू 0, उसका मतलब y की तरफ को चलना ही नहीं, -2 और 0। फिर इसने कहा -1 और 3, -1 x का -1, 3, 1 2 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का और 3, और जब इसको क्या करते हैं मिलाते हैं तो ये आ जाती है इस तरह से। तो ये ग्राफिकली आपका सॉल्यूशन आपका इस तरह से कुछ बन जाता है, जो ग्राफिकली भी आ गया और अलजेब्रिक भी आ गया, दोनों सॉल्यूशन हमने यहाँ पर शो कर दिए हैं, ठीक है।